स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज गुडविल। आप सबको मालूम है कि पार्टनरशिप जब आपको कर रहे हो तो पार्टनरशिप में गुडविल जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आपके एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन, सभी जगह पर इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। और सबसे पहले आपको मैं गुडविल का मीनिंग बता रही हूँ कि गुडविल का मीनिंग क्या हो जाता है कि वैन यू आर स्टार्टेड बिजनेस, दिस इज इन अ जीरो रेपुटेशन, है ना। आप जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका कोई भी रेपुटेशन वगैरह नहीं होता। उसके बाद धीरे धीरे आप वहाँ पे मेहनत करते हैं, आपने पैसा लगाया, आप फिर पूरी तरह से अपनी जो मेहनत करते हैं, करने के बाद जो एक नेम फेम होती है, इट्स कॉल्ड अ गुडविल मीन्स रेपुटेशन ऑफ योर फर्म। आपके फर्म का क्या रेपुटेशन है, आपके फर्म को लोग कितना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ये हमारा गुडविल कहलाता है। जैसे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि गुडविल जो है क्या होता है कि जैसे वो दिखाई नहीं देता है। सबसे पहली बात है, इट इज इंटेंजिबल एसेट्स। बिकॉज जैसे मान लीजिए किसी ए नाम के शॉप में, आप मान लीजिए किसी ए नाम के शॉप में जाते हैं और वहां से आप स्वीट्स परचेस करते हैं, ठीक है ना। और इस ए वाला जो शॉपकीपर है उसमें आप स्वीट्स परचेस करते हैं एंड यू लाइक मोस्ट, आपको बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद आपने क्या किया, किसी कोई आपके फ्रेंड ने आपसे पूछा कि अरे ये स्वीट्स कहाँ से लिए हो, बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप फिर दुकान का नाम बताते हैं, फिर वो भी उस ए नाम के शॉप में ही जा करके स्वीट्स परचेस करके आते हैं। इस तरह से क्या हुआ कि आपसे कोई कुछ मिठाई के बारे में पूछता है कि अरे हमें स्वीट्स परचेस करना है, तो यू ऑलवेज गिव द नेम ऑफ द ए शॉप। तो ए शॉप में जा करके आप मिठाई परचेस करने की सलाह देते हैं, तो क्या इस दुकानदार ने आपको ऐसा कोई भी पैसा दिया था कि भैया ये आप पैसा रखो, मेरे दुकान की पब्लिसिटी करो? नो, इट इज द माउथ पब्लिसिटी विदाउट एनी मनी और कैश ट्रांजेक्शंस। क्यों, ये आपका गुडविल हुआ जिसमें आपको दुकानदार ने एक पैसे भी नहीं दिए लेकिन दुकानदार की बिक्री जो है वो बढ़ती गई। तो इसी को हम कहते हैं कि गुडविल। तो गुडविल के लिए और ये दिखाई नहीं देता है और माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हुआ और इस तरह से क्या हो गया, आपके बिजनेस की बिजनेस जो है वो डेवलप होता गया। तो ये आपका सिंपल में गुडविल हुआ, ठीक है ना। मीन्स एक वन सेंटेंस वे आई कैन से कि दिस इज द रेपुटेशन एंड गुड नेम एंड फेम ऑफ द फर्म इज कॉल्ड द गुडविल। ओके, अब हम आ जाते हैं कि गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक्स, गुडविल में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है उसे देख लेते हैं। सबसे पहला है प्रॉस्पेरिंग बिजनेस, आपका बिजनेस जो है वो तरक्की करता है धीरे धीरे, आप उसमें क्या करते हैं, आप अपना सारा एफर्ट लगाते हैं और धीरे धीरे आप उसमें क्या करते हैं, तरक्की करते हैं। सेकेंड, इंटेंजिबल एसेट्स, मैंने जो आपसे अभी अभी कहा कि गुडविल जो है वो दिखाई तो नहीं देता है बट इट इज अ एसेट्स, ये आपके फिक्स एसेट्स में ही आता है पर ये इंटेंजिबल है क्योंकि ये दिखाई नहीं देता है। थर्ड इज सेलेबल एसेट्स, सेलेबल का मतलब होता है कि गुडविल जो है वो बिकता है। अब आपको मैं बिकने की बात एक बार बता देती हूँ कि अरे जो दिखाई नहीं दिया, इंटेंजिबल था फिर भी बिक गया, तो कैसे बिका वो चीज सुन लीजिए। अभी शॉप ए शॉप के मन में हम आ जाते हैं कि ये नाम का जो शॉप है उस शॉप में स्वीट्स आपने बेचा और गुडविल जो है इस तरह से स्प्रेड हुआ। अब मान लो कोई बी नाम का व्यक्ति है, बी पर्सन है, वो सोचता है, वो आता है और आकर के ए से बात करता है कि भैया आपके आपकी जो दुकान है इसकी हलवाई किस तरह से स्वीट्स बनाता है, मुझे रेसिपी बताओ। क्या ए ऐसा कुछ करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ए अपने हलवाई के द्वारा बनाया गया रेसिपी अगर आपको दे देगा तो फिर आप तो उसी तरह से बना लोगे, फिर इसका रेपुटेशन गिर जाएगा, ये सीधा मना कर देगा। बी कहेगा कि ठीक है हलवाई बेच दो, वो कहेगा कि मैं हलवाई को बेचूंगा, ये हलवाई के दम पर ही तो मेरा शॉप चल रहा है, तो वो नहीं बेचेगा। तब हो सकता है बी ए के पास प्रपोजल लेकर के जाए कि मुझे क्या करना है, आपके शॉप को परचेस करना है, मुझे आपका शॉप परचेस करना है, और जितना ये पैसा लगाया उसका हो सकता है दुगना तिगुना जो है वो क्या करे, आपसे क्या ले सकता है, पैसा दे सकता है, ठीक है। हो सकता है आपको सेटअप करने में 30,000 रुपए लगा हो लेकिन ये जब आपसे हो सकता है आपको 2-3 लाख रुपए देने को तैयार हो, ए को ये डील बुरा नहीं लगता है, वो कहता है कि बिल्कुल सही है, ठीक है मेरे को दुकान में लगाने में मेरे को 50,000 लगा था और इतने साल तक के मैं कहीं कुछ ले लो, अब अगर आपका 3 लाख या 4 लाख रुपए दे रहे हो तो मुझे इसमें कोई नुकसान नहीं है। तो ये बी जो है वो
ए का जो शॉप है इसको पूरा सेटअप के साथ परचेस कर लिया, हलवाई भी उसी का, नाम भी उसी का, हो सकता है हाँ नाम भी उसका ले ले रहा है, हलवाई भी ले रहा है, बस ए के जगह पर वहां पे कौन बैठ रहा है, बी जा करके बैठ रहा है। सिर्फ इतना ही अंतर हुआ, लेकिन ए ने अपना पूरा शॉप जो है वो बिल को बेचा, और क्या बेचा, गुडविल बेचा, क्योंकि ये जो उसका नेम फेम था उसी को ही उसने बेचा। तो इस तरह से ये आपका सेलेबल एसेट्स भी हो गया, गुडविल दिखा नहीं लेकिन बिक गया। क्लियर? कॉन्स्टेंट फ्लैक्चुएशंस, गुडविल में आपका जो फ्लैक्चुएशन है वो कॉन्स्टेंट रहता है, वो बहुत ज्यादा मात्रा में उथल पथल नहीं होती है, ठीक है ना, वो स्थिर रहता है। अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट, आपकी क्या होती है, जितना ज्यादा जितना आप लगा रहे हो उससे कई गुना ज्यादा आप वहाँ पे क्या करते हो, प्रॉफिट कमा लेते हो, प्रॉफिट अर्न कर लेते हो। मैन्युफैक्चरर्स, ये गुडविल में और भी कई तरह के फैक्टर्स होते हैं जिससे क्या हो जाता है कि आपकी कंपनी का नेम फेम जो है वो बढ़ता है। इज दैट क्लियर? तो ये आपका जो है वो पूरी तरह से गुडविल का कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषताएं थी। चलिए अब पढ़ लेते हैं टाइप्स, गुडविल के प्रकार कैसे हैं, ये भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, बोर्ड में कई बार पूछा गया है। परमानेंट गुडविल, परमानेंट गुडविल को हम लोग लोकल गुडविल या फिर कैट गुडविल भी कहते हैं, आप सुने होंगे इसको हम कैट गुडविल भी कहते हैं। कैट किस तरह से, ये सुन लीजिए, कैट का नेचर क्या होता है, कैट का नेचर होता है कि वो स्थान प्रिय होती है, जिस जगह पर जाती है अगर आप एक बार उसको दूध पिला दोगे तो वो आपका घर नहीं भूलेगी, वो वहीं पे टिक जाएगी। मीन्स परमानेंट गुडविल रिलेटेड टू द प्लेस, ये आपके जगह पर डिपेंड कर रहा है, प्लेस पर डिपेंड कर रहा है कि आप कौन से जगह पर रह रहे हो, जहाँ पर आप रह रहे हो मतलब आपके मालिक के आने जाने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जिस जगह पर रह रहे हो उस जगह का प्रभाव पड़ता है, यानी प्लेस जो है वो आपका इफेक्टिव है। तो गुडविल का पहला टाइप्स है परमानेंट गुडविल, यानी ये आपका जिस जगह का है उस जगह का नेम फेम है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर आपका एमपी नगर है, एमपी नगर जो है वो बहुत ही बड़ा जोन है, लोगों को आने जाने में वो मिड रास्ते पे आपको पड़ता है, तो वहाँ पर कोई शॉप का मालिक कौन है, नो बॉदर, हमें कोई मतलब ही नहीं है, हु इज द ऑनर ऑफ द शॉप और ऑनर ऑफ दैट फॉर्म, हम वहाँ पर वो प्लेस ही इतना मेन सेंटर पॉइंट पे है कि एवरीबडी आर टेकन गुड्स फ्रॉम देयर, तो वो जगह का ही उसका कीमत होता है, ठीक है ना। तो इसे हम कैट गुडविल कहते हैं, और इसकी जो गुडविल की वैल्यू है वो सबसे हाई होती है, ठीक है ना, हाई वैल्यू होती है, सबसे ज्यादा कीमत होती है इस तरह के गुडविल की। नेक्स्ट इज पर्सनल गुडविल, पर्सनल गुडविल यानी व्यक्तिगत गुडविल, इसे हम डॉग गुडविल भी कहते हैं। डॉग गुडविल किस तरह से, कुत्ते का स्वभाव क्या होता है, वो वफादार होता है, ठीक है ना, डॉग का नेचर होता है कि वो वफादार होता है अपने मालिक के प्रति। तो यहाँ पर क्या हुआ, मालिक की क्वालिटी है, पर्सनल आप में ही ऐसी क्वालिटी होती है कि आप जहाँ जाओगे वहाँ पर आप अपना रेपुटेशन बना लोगे, उसके लिए कोई स्थान का या प्लेस का कोई मैटर नहीं है, वेयर एवर यू आर गोइंग इट इज कैपेबिलिटी ऑफ योर्स, सो यू आर सेटअप योर बिजनेस एंड यू आर गेटिंग द गुडविल। तो यहाँ पर ये पर्सनल गुडविल जिसको अपन डॉग गुडविल कहते हैं, इसकी जो किस तरह की जो गुडविल होती है इसकी प्राइस इससे थोड़ा सा लेस होता है, इसके कैट से थोड़ा सा लेस कम कीमत में ये बिकती है, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन पर डिपेंड करती है। थर्ड इज कॉमोडिटीज गुडविल, इसे हम रेट गुडविल भी कहते हैं। रेट मतलब चूहा, चूहे का स्वभाव क्या होता है, रेट गुडविल मतलब चूहे का स्वभाव क्या होता है, दे आर नॉट स्टेबल अ सिंगल प्लेस, वो एक जगह पर डिपेंड नहीं रहती है, वो चेंज करती जाती है अपना प्लेस, आज आपके घर में है तो कल किसी खेत में चली जाएगी, परसों कहीं और चली जाएगी, मीन्स दे आर नॉट सेटअप अ सिंगल प्लेस, ये घूमती रहती है। तो ये कॉमोडिटीज गुडविल का मतलब होता है कि आप एक तरह का सामान ना लेकर के कई तरह के सामान को लेकर के बेचते हो, एक जगह पर फिक्स नहीं रहते, दो महीने यहाँ बैठे तो तीन महीने वहां चले गए, यू आर नॉट सेट अप योर प्लेस आल्सो। तो इस तरह क्या होता है, इस तरह की कॉमोडिटीज जो गुडविल है इसमें लोग किसी एक चीज को अच्छी तरीके से परख भी नहीं पाते हैं, आप तुरंत उसको चेंज कर देते हो, तो इस तरह की गुडविल की जो वैल्यू होती है वो बहुत ही ज्यादा कम होती है।
है, ये लो गुडविल, मतलब इस तरह की गुडविल की जो आप अगर बेचने जाओगे तो इसकी कीमत सबसे कम मिलेगी। यानी इस तरह से आपके तीन में से परमानेंट गुडविल सबसे ज्यादा, जिसको डॉग गुडविल, कैट गुडविल कहा जाता है जो कि प्लेस से रिलेटेड है। सेकंड है पर्सनल गुडविल, जो कि आपका क्या कहलाता है, डॉग गुडविल जो आपके पर्सन के को पर्टिकुलर रिलेट करता है। और कमोडिटीज गुडविल, जिसको हम क्या कहते हैं, रेड गुडविल, यानी ये आपके रेट के नेचर का होता है, जो क्या होता है, एक जगह पर कहीं पर भी फिक्स नहीं होता है। तो इस तरह से इन तीनों के रेट में भी अंतर होता है। ये गुडविल सबसे हाईएस्ट, इस तरह की गुडविल ज्यादा कीमत पर बिकती है, उससे कम गुडविल जो है ये पर्सनल है, और सबसे कम जो है वो रेड टाइप ऑफ गुडविल पाई जाती है। ठीक है ना, तो ये आपके टाइप्स ऑफ गुडविल हो गया।